हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अमेजिंग से किचन टिप्स एंड रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो आपका काम तो आसान करते ही है, साथ ही में आपका वक्त भी बचाते हैं और पैसे भी। थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, वो भी घंटे के साथ, ये बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो आज मैं मखाने को बिना घी, बिना तेल, बिना बटर के रोस्ट करना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो इसके लिए नमक ले लेंगे। नमक को हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। ये नमक को मैं बार बार यूज़ करती हूँ, तो जब नमक ठंडा हो जाए मैं इसे फिर से एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेती हूँ। जब नमक गर्म हो जाए तब हम इसमें मखाने ऐड कर लेंगे। और अब आपको मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक रोस्ट हो जाते हैं। मखाने वैसे तो हम पैन में भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है अंदर तक वो सिकते नहीं है, यानी कि जल्दी से वो सिल जाते हैं, 1 या 2 दिन में ही वो नरम पड़ जाते हैं। बट इस तरह से करने से एक तो ये अंदर तक अच्छी तरह से रोस्ट होते हैं और दूसरा इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है नमक का, यानी ऊपर से आपको कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप सेक के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते थे वो भी अब इसे पॉपकॉर्न की तरह खाएंगे। इसे छान के ले लेंगे और ये देखिए गरम गरम ही तोड़ के बता रही हूँ, ये पूरा चूरा चूरा हो रहा है। वैसे ठंडे होने के बाद इतना क्रिस्पी होता है, बट अभी तो ये गरम गरम में ही मैं आपको डायरेक्टली करके बता रही हूँ और बहुत ज्यादा टेस्टी। और मखाने को आपकी डाइट में जरूर शामिल करें। कैसी लगी ये टिप कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स टिप नंबर 2 डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो ये है फ्रेंड्स आम की गुठली। इसको कैसे आपको सुखाना है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो आज मैं आपको इसका यूज करने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई या पैन ले ले और सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है तिल। यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं बताऊंगी मैं फ्रेंड्स, आपके हिसाब से सारी चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में फ्रेंड्स ढेर सारा कैल्शियम होता है, तो इसे आपकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपकी घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है या कैल्शियम की कमी है, तो सफेद तिल को आपके डाइट में जरूर शामिल करें। सफेद तिल ले सकते हैं या तिल का ऑयल भी ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करें जब तक ये उछले नहीं। इनफैक्ट तिल आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से उछलने तक आपको इसको मीडियम आंच पे रोस्ट करना है और बस आपको तिल को निकाल लेना है। अब ये देखिए परफेक्टली डन है, सारे पॉप होने चाहिए फ्रेंड्स। जब पॉप होते हैं तभी ये परफेक्टली रोस्ट होते हैं, तो ये टिप भी याद रखिएगा। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो सारे तिल को मैं निकाल दूंगी और 1 by 1 हम सारे इंग्रेडिएंट को रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो अजवाइन आपको खाना ही चाहिए। पेट दर्द की शिकायत रहती है बार बार, तभी भी आपको अजवाइन आपके डाइट में शामिल करना चाहिए। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है फ्लेक्सीड्स यानी अलसी के बीज। इसके फायदे तो बहुत सारे फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वेट लॉस में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, दिल की बीमारियां नहीं होने देता, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ये इंग्रेडिएंट है। तो इसको भी इसी तरह से रोस्ट करना है और तिल की तरह ये भी ऐसे उछलते हैं फ्रेंड्स जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। ये थोड़े से फूल जाते हैं जब ये रोस्ट हो जाते हैं। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेंड्स सौंफ। जी हाँ फ्रेंड्स, सौंफ ले लेंगे। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है। सौंफ भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ ही में आपकी बॉडी में थोड़ा ठंडक देता है और ये बेहतरीन माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। तो इसको भी हम रोस्ट कर देंगे हल्के से। और सारी चीज़ों को आपको अलग अलग रोस्ट करना है, ऐसे नहीं कि आप एक साथ मिला दो और रोस्ट करो, क्योंकि सब कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। तो जैसे अजवाइन अगर आपने डाल दिया और तो अजवाइन डेफिनेटली जल जाएगा, बट सौंफ अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको 1 by 1 सारे इंग्रेडिएंट को रोस्ट करना है और उसको आप प्लेट में निकाल ले। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। अब चलिए जो मेन इंग्रेडिएंट है उसे रोस्ट करने की बारी है। तो उसको रोस्ट करने के लिए हम ले लेंगे देसी घी। 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने देसी घी ले लिया है फ्रेंड्स। और आम की गुठली को हमें देसी घी में ही रोस्ट करना है, इसी तरह से इसे खाना है। बट उससे पहले हम इसमें डालेंगे काला नमक, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो काला नमक डालिएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे काला नमक मिल ही जाता है आपको आराम से कोई भी ग्रोसरी शॉप में। और ये जो आम की गुठली है ये इसमें ऐड कर लूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, तो इसमें 2 कप भर के मैं ये आम की गुठली जो सुखाई थी हमने वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको रोस्ट करना ज़रूरी है, इसे ऐसे ही नहीं खा सकते फ्रेंड्स। इसको रोस्ट करके खाएंगे तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये लंबे समय तक, मतलब कि इसका जो शेल्फ लाइफ है इसको स्टोर करने का, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे।
अभी आप इसका कलर नोटिस कर लीजिए, जब आप इसको लो आंच पे धीमे धीमे इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। और नमक आपको उतना डालना है जितना आपको सारे चीज़ों में बराबर हो जाए, उतना नमक आप इसी में डाल दें। तो देखिए इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है, ये देखिए मैं आपको क्लोजअप बताती हूँ। और इस तरह से करने से ये टूटना चाहिए, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये टूट रहा है, यानी कि ये परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। तो इसी टाइम पे मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और सारी चीज़ों को अब कम्प्लीटली हम ठंडा होने देते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, सब मैंने निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तभी आपको इसको मिलाना है, गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं मिलाइएगा। तो चलिए आम की गुठली के फायदे की बात करती हूँ, तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है, साथ ही में ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग जिसे बोलते हैं, तो आपको आम की गुठली खाना ही चाहिए। और साथ ही में ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है फ्रेंड्स, बहुत सारे इसके फायदे हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जो गुठली आप फेंक देते थे उसे आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा। इस तरह से आप इसका मुखवास माउथ फ्रेशनर बना सकते हैं, और मुखवास तो हम इंडियंस खाते ही हैं फ्रेंड्स, तो इसे खाना भी चाहिए। इसमें ढेर सारे जो सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने सारे सीड्स के आपको बेनिफिट्स बता दिए, तो सीड्स को आपको खाना ही चाहिए। चलिए इसको स्टोर करने का तरीका है कि आप कांच की बोतल में इसे भरेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है फ्रेंड्स, यानी कि खराब नहीं होता। प्लास्टिक में भरते हैं तो प्लास्टिक की एक अलग से स्मेल आ जाती है, और भी एक शर्त है कि कांच की बोतल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, साथ ही में इसका जो लिड है वो एयर टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करके रखें, जब तक ये फिनिश ना हो तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इतना इतना ही बनाती हूँ, और आम की गुठली को जो मैंने सुखाया है उसको स्टोर करके रख दिया है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही बिना घी में रोस्ट किए, बस एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दे, और इस तरह से आपका जब भी मुखवास खत्म हो तब आप फ्रेश बना दे। मैंने आम की गुठली का ऑयल भी बताया है आर्टिस्ट कॉर्नर चैनल पे, प्लीज़ वो भी देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद ऑयल है फ्रेंड्स। आप इस गुठली को जो फेंक देते थे, ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी। कैसी लगी ये टिप कमेंट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगली टिप देख लेते हैं, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, तो ये काजू को लेकर है। काजू तो सभी को पसंद होता है और मसाला काजू तो सभी का फेवरेट होता है, बट बिना घी बिना बटर बिना तेल के आज मसाला काजू हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इस पर इस तरह से छिड़क लेंगे और फिर आप मिक्स कर लें, यानी कि आपको पानी लगा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस पानी हल्का सा कोट हो जाना चाहिए। फिर आप आपकी पसंद के सारे मसाले डाल दें, जो फ्लेवर का बनाना है वो फ्लेवर आप डाल दें। तो मैंने यहाँ नॉर्मल अपने हल्दी नमक मिर्ची और चाट मसाला डाल दिया है और उसको मिक्स कर लूंगी। इस तरह से करने से मसाला बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो आपको जो पसंद है आप वो मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, देखिए अच्छी तरह से कोट हो गया। चलिए अब मैं एक कांच की प्लेट ले लूंगी और इसको मैं माइक्रोवेव करने वाली हूँ। तो माइक्रोवेव करने के टाइम पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप थोड़ी से काजू को इस तरह से रोस्ट करते हैं या थोड़ी से कोई भी चीज़ को करते हैं, तो सेंटर में आप इस तरह से करिए, मतलब कि सेंटर में कुछ नहीं रखिए, क्योंकि वहीं ज़्यादा हीट लगती है, फिर वहाँ जल जाता है। तो इसको मैं 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी और 30-30 सेकेंड के बाद खोल के चेक करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ रोस्ट कर लिया है, एकदम परफेक्ट ये रोस्ट हुए हैं, मसाले भी एकदम अच्छी तरह से चिपके हुए हैं, तो एक भी बूंद तेल या बटर का या घी का हमने यूज़ नहीं किया है और बहुत ही अच्छी तरह से काजू हुए हैं। ठंडा होने के बाद ये देखिए एकदम परफेक्ट ये टूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा गजब लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो माइक्रोवेव में आप एक बार ये ज़रूर करके देखिएगा, जब चाहिए तब आप थोड़े से करिए और इन्जॉय कीजिए। कैसी लगी टिप कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स एंड रेसिपी, आपके पास कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई टिप या रेसिपी हो तो मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। पसंद आए थोड़ी सी भी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने के लिए। शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को वो भी घंटी के साथ, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। टिल देन टेक केयर, बाय।